Hello students, welcome to getlectures.com. Today we will go to start first chapter of fluid mechanics. The chapter is properties of fluid or fluid properties. In this chapter we will analyze the different properties of fluid like density or mass density, a specific weight or a specific density, weight density, third one is a specific gravity, compressibility, viscosity, kinematic viscosity, surface tension, then vapor pressure, capillarity, different type of pressures we will analyze in this chapter. And this chapter is very important for the foundation of fluid mechanics subject. Let us start the first chapter of fluid mechanics. The fluid properties. Fluid properties chapter. The first property is density or mass density. This is denoted by rho, symbol rho. And the definition of density or mass density is, it is the ratio of mass of fluid to its volume. It means rho is equal to mass of fluid upon volume of fluid. Okay, the density is defined as the ratio of mass of fluid to its volume. Agar general condition mein agar dekha jaye, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए अराइज होता है, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी बहुत ही एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो. बेसिक क्लासेस में आप लोगों ने स्टडी किया, अप टू सेवेंथ क्लास से ही आप लोग देखते आ रहे हो डेंसिटी. आई वॉन्ट टू नो द एंसर ऑफ डेंसिटी, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेंसिटी. प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ओके, डेंसिटी के डेफिनेशन को आप लोग कमेंट बॉक्स में डेंसिटी को डिफाइन करें और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देने का प्रयास कीजिए. ओके, लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ डेंसिटी. फर्स्ट अगर मैं बात करूं, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूड टू इट्स वॉल्यूम. सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी और सिंपल यूनिट ऑफ डेंसिटी, सिंपल इज यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ फ्लूड दिस इज इन केजी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूड इन मीटर क्यूब. इट मीन्स दिस इज केजी पर मीटर क्यूब. देन सेकेंड क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला. एमके सिस्टम में हम देख रहे हैं एमएलटी, मास टू द पावर 1, L^-3 एंड T^0 और ML-3. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला इसलिए मैं दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और अभी भी पूछे जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूनिट क्या होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है. अगर आपको डेफिनेशन पता है देन यू कैन गेट यूनिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड बाई यूजिंग यूनिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी यू कैन गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि डेंसिटी का प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डेंसिटी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज. इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर द डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज. लेट अस सी डेंसिटी. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर टी को राइज करता हूं कोई भी सिस्टम है, किसी भी मान लो कोई भी कंटेनर है, कंटेनर में मैंने मास को फिक्स कर दिया, मास को मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, सिस्टम के एम इज कांस्टेंट
एम को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया. देन अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, देखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम. अगर किसी भी सिस्टम में अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी. और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हम करेंगे, मास कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है और डेंसिटी का जब डिनोमिनेटर राइज होगा तो डेंसिटी की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, डेंसिटी विल डिक्रीज. इट मीन्स डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर द डेंसिटी विल इंक्रीज. नाउ अगला देखते हैं कि प्रेशर के साथ इसका क्या रिलेशन है. अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, प्रेशर पी को अगर हम इंक्रीज करते हैं, प्रेशर पी को अगर हमने इंक्रीज किया, मास को हमने क्या कर दिया है, मास को हमने कांस्टेंट ही रखा है, मास कांस्टेंट है, मास को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं. कोई भी सिस्टम, अगर आप सपोज कर लो कोई गुब्बारा है, गुब्बारे पर आपने एयर फिल कर दिया, एयर इज ऑल्सो फ्लूड. अगर आप गुब्बारे को प्रेस करते हो, कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो गुब्बारा क्या होगा, कंप्रेस होगा. कंप्रेस होगा यानी कि डेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सपोज कर लो कि गुब्बारे का वॉल्यूम, मान लिया कोई भी वॉल्यूम वी है, उसमें मास हमने एम डाला, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेन कर रहा है, उसका पर यूनिट वॉल्यूम कितने मास को कंटेन कर रहा है, ठीक है. जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मास को हमने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज. जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो मास हमारा कांस्टेंट है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में यूनिट मास, मास हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम में मास का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मास विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. देन रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी विल इंक्रीज. आप क्लियर कह सकते हैं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, एंड इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, ऑफ फ्लूड. ओके, फ्लूड प्रॉपर्टी चैप्टर में पहला प्रॉपर्टी हुआ. अभी मैं कुछ यहां पर स्पेस छोड़ रहा हूं, कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा कि जो हमारी डेंसिटी होती है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, बट सेकंड जो प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी की जब हम बात स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है. तो उसके जब उस प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेंगे, देन आफ्टर हम कंपेयर करेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है और क्यों स्पेसिफिक डेंसिटी और हमारी जो वेट डेंसिटी है वो क्यों हमारी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेकेंड प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, दिस इज डिनोटेड बाय ओमेगा और स्मॉल डब्ल्यू. ओके, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूड टू इट्स वॉल्यूम. इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ weight of fluid to its volume. What is the basic difference between mass and weight? Mass is m and weight is force mg. Then a specific weight w omega or small w is equal to weight of fluid अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड. दिस इज इक्वल टू वेट इज व्हाट, एमजी अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड इज वी. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी. Weight density.
Unit. Unit is what? Mg is what? Mg is Newton per meter cube. Then dimensional formula. Dimensional formula. Dimensional formula of wet density. Newton. Newton को अगर आप देखो तो Newton is mass into acceleration. Mass is what? Newton का क्या होता है? Kg meter per second square into meter cube. Newton is mass into acceleration. Mass is in kg and acceleration is meter per second square. And this is meter cube. One say one cancel. This is kg second square meter square. Then dimensional formula is m1 l minus 2 t minus 2. This is m l minus 2 t minus 2. Okay. M l minus 2 t minus 2. This is the dimensional formula of a specific weight or weight density. This is very important. बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोग जाओगे, अगर आप एसएससी जेई का पेपर देने जा रहे हो तो वहां ये क्वेश्चन मिलना है. ईएससी का पेपर देने जाओगे तो वहां पे भी मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं. अदर पीएससी उसके भी एग्जाम में जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां मिल सकते हैं. मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में मिल सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विच प्रॉपर्टी. ओके, तो उसमें आप मैच कर सकते हो. आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, बेसिक बात है कि किसी भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के थ्रू अगर आप जाओगे तो सिंपली आप डायमेंशनल फॉर्मूला एनालाइज कर सकते हो. ओके, अगर अब मैं आता हूं पहले डेफिनेशन पे आता हूं, पहले प्रॉपर्टी पे आता हूं. दिस इज डेंसिटी और मास डेंसिटी. डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या था? मास ऑफ फ्लूड अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड. ये केवल किस पर डिपेंड कर रही थी? टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मास डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी लोकेशन पर इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन. अगर सेम डिफरेंट लोकेशन पर अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखूं तो डेंसिटी उस फ्लूड की क्या होगी? सेम होगी. डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ द fluid will be same at different locations if temperature and pressure are same at different locations. Okay, तो ये क्या है? Location के ऊपर depend नहीं कर रही है. It depends on temperature and pressure only. Temperature and pressure only. That's why this is an absolute quantity. This is very important line. This property is absolute quantity because क्यों? क्योंकि ये केवल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, द मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूड इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द लोकेशन. ओके, इट ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 1000 kg per meter cube for calculation purpose. आपको अगर calculation purpose के लिए कभी भी density of water अगर लेना है तो आप क्या लेंगे? 1000 kg per meter cube. ये अपना assumed value है. अगर question में given है density of water तो आप अगर density of water कोई सा भी गिवेन है, मान लो 999, 998, 997, कोई सी भी वैल्यू गिवेन है तो आप उस क्वेश्चन में उसी वैल्यू को पुट करोगे. अगर क्वेश्चन में गिवेन नहीं है, अगर केवल क्वेश्चन में बोलता है वाटर, फ्लूड के जगह पे क्या बोलता है? वाटर अगर लेता है तो आप जनरली कौन सा वैल्यू यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस? न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लेंगे? 1000 केजी पर मीटर क्यूब. ओके, नेक्स्ट वन. अब यहां पर हम आते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी को आपने यहां पर देखा, ओमेगा इज इक्वल टू rho g over mg over v. आप अगर यहां से देखो
तो m अपन v इज वॉट फर्स्ट प्रॉपर्टी रो, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू रो इंटू जी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. आप लोग के आगे जितने चैप्टर्स आएंगे वहां पर स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. इनफैक्ट केवल इसी सब्जेक्ट में नहीं, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सेल्फ वेट की एनालिसिस करेंगे तो वहां पर भी इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू रो इंटू जी. अब यहां पर अगर देखा जाए तो जी, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब जी की वैल्यू जो होती है लोकेशन टू लोकेशन, डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट वैल्यूज होती है, डिफर करती है. ये तो प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, तो रो तो आपका डिपेंड किसके ऊपर होगा? प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर. लेकिन जी जो होगी वो आपके लोकेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है. अगर आप अर्थ पे हो तो जी की वैल्यू डिफरेंट है, मून पे हो तो जी की वैल्यू डिफरेंट है. तो आप इसे क्या कह सकते हो, ये केवल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन लोकेशंस ऑल्सो ऑन द लोकेशन. Okay, that's why this is not an absolute quantity. तो आप लिख सकते हैं a specific weight depends on temperature, pressure and location as it varies from place to place, it is not an absolute quantity. This is very important. It is not an absolute quantity. अगर अब specific weight of water की अगर बात की जाए तो simple, अगर given नहीं है question में तो rho is equal to 1000 and g is equal to 9.8. This is 980. We can take a specific weight of water for calculation purpose 980 newton per meter cube. Okay, this is the second property of fluid, a specific weight or weight density. Now start the third property is a specific gravity. This is denoted by S, or in some books this is denoted by S subscript R. Okay, a specific gravity के बारे में अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड. ओके, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड. द डेफिनेशन इज, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ fluid density of fluid to the density of standard fluid. Okay, density of fluid to the density of standard fluid. अब ये जो रेशियो है सेम प्रॉपर्टी का रेशियो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड. तो ये क्या होगी, दोनों रेशियो जो है डेंसिटी का ही रेशियो है, तो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो आप यहां पर कह सकते हो एज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, that's why it is dimension
dimensionless. Okay, dimensionless means what? M0, L0, T0. This is a dimensionless property because this is the ratio of same quantity. अगर आप यहां पर देखना चाहो तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में आते हैं. डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13,600 केजी पर मीटर क्यूब. दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी. देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेविटी ऑफ मरकरी इट मीन्स एस ऑफ एच जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड. स्टैंडर्ड फ्लूड में अगर मैं बात करूं दिस लाइन स्टैंडर्ड फ्लूड क्या है, किस में किस कंडीशन में किसको लेंगे स्टैंडर्ड फ्लूड, एज ए स्टैंडर्ड फ्लूड किसको ले सकते हैं. तो जब लिक्विड्स की बात हम करते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूड हम कौन सा लेते हैं? स्टैंडर्ड फ्लूड इज वाटर. एंड जब हम एयर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूड इज आवर एयर. और एयर और स्टैंडर्ड फ्लूड की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूड में जब वो लिक्विड है तो लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूड हम क्या लेंगे? दिस इज वाटर. एंड स्टैंडर्ड फ्लूड फॉर एयर्स वी कैन टेक स्टैंडर्ड फ्लूड एज एयर एंड हाइड्रोजन. ओके, जब अगर कोई भी गैसेज हैं, गैसेज है नॉट फॉर एयर, गैसेज के लिए लिक्विड के लिए हमने वाटर लिया स्टैंडर्ड फ्लूड. एंड जब गैसेज की बात हम करेंगे तो हाइड्रोजन और एयर को हम स्टैंडर्ड फ्लूड कंसीडर करते हैं. तो यहां पर क्या हो जाएगा? मरकरी इज अ लिक्विड, देन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड दिस इज लिक्विड. देन स्टैंडर्ड फ्लूड में क्या आ जाएगा? H2O. दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13,600 अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड वाटर. वी कैन टेक फॉर कैलकुलेशन पर्पस 1000. This is a specific gravity of Hg is equal to 13.6. This is in kg per meter cube. And this is also in kg per meter cube. This will cancel out. That's why this is dimensionless quantity. Okay. A specific gravity of Hg is equal to 13.6. And let us write. In case of liquids, standard fluid is water. And in case of gases, standard fluid is either hydrogen or air. Okay, एक चीज हो, आप ये भी कह सकते हैं specific gravity को इस way में भी define कर सकते हैं कि specific gravity is the ratio of a specific weight or weight density of fluid to the weight density of standard fluid. Because अगर देखो second definition की अगर मैं बात करूं, तो S is defined as a specific weight of fluid upon standard fluid. अगर इसको देखा जाए तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूड क्या होता है? रोजी. अगर मैं मान के चलूं दिस इज फॉर मरकरी एंड रोजी ऑफ वाटर, जब मरकरी लिया वाटर, जी क्या होगा? जी विल बी कैंसिल आउट. देन
this is also rho of Hg upon rho of H2O. तो इसमें कहीं confused नहीं होना है कि specific gravity को हम two way में define कर सकते हैं. Specific gravity is defined as the ratio of density of fluid to the density of standard fluid. And second definition is a specific weight or weight density of fluid to the specific weight of standard fluid. और ये बात always ध्यान रखना है कि in case of liquids always standard fluid हमारी क्या होगी? In case of liquids, standard fluid is water, and in case of gases, standard fluid is either hydrogen or air. This is very important. And specific gravity को जब हम second chapter start करेंगे, तो specific gravity, specific weight और mass density, ये total जो properties अभी आपने जो तीन properties देखी, these all properties are very important for the foundation of fluid mechanics subject. Because कि इन properties का use हम आगे हर एक chapter में करने वाले हैं. Okay, thank you.